मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में निलंबित झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन को ईडी ने कोर्ट में पेश किया है। आपको बता दें कि पूजा की 5 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। वहीं सीए सुमन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 9 दिन ईडी के रिमांड पर रहने के बाद कोर्ट ने जेल भेज दिया। पूजा सिंघल की तरफ से हाईकोर्ट के अधिवक्ता विश्वजीत घोष, सुमन सिंह की तरफ से शंभू प्रसाद अग्रवाल ने बहस की। वहीं ईडी की तरफ से बीएमपी सिंह ने अपना पक्ष रखा। ईडी की तरफ से बताया गया कि मामले को लेकर कई लोगों से पूछताछ बाकी है। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले हैं, ऐसे में पूछताछ के लिए समय दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने स्वीकार करते हुए रिमांड अवधि बढ़ा दी है। आज दोनों मुदालय सुमन कुमार और मिसेज पूजा सिंघल का प्रोडक्शन का डेट था, ईडी के द्वारा प्रोड्यूस दोनों किए गए। ईडी के तरफ से सुमन कुमार को जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया और उन्हें जेल में भेज दिया। और ये मिसेज पूजा सिंघल को ईडी के तरफ से 6 दिन का फिर ईडी रिमांड मांगा गया था, जिसे जो जज ने दोनों तरफ से सुनने के बाद, माननीय जज हमारे जो हैं पीके शर्मा साहब, उन्होंने बड़े धैर्य से सुना और 5 दिन का ये ईडी रिमांड मिसेज पूजा सिंघल का दिया है। आपको बता दें कि रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में बताया गया कि पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। वही डीएमओ से अभी आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना जरूरी है। इसी आधार पर रिमांड बढ़ाया गया। ईडी को कई अहम जानकारी मिली है, हालांकि मामले को लेकर अभी कई राज खुलने बाकी है। रांची से न्यूज विंग के लिए काजल के साथ मनीष झा की रिपोर्ट।